उसके अंदर ये अटैच करेंगे। तो हमारी टेबल सेट हो चुकी है। अब तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि हमें बॉक्स पे बताया गया है कि हम लोगों ने इस गेम को कैसे खेलना है और कौन सी गेम के क्या क्या पार्ट्स हैं और कौन कौन सी गेम हम इस पे प्ले कर सकते हैं। और प्ले करने के अलावा अगर हम इसको डेकोरेशन के लिए भी रखें तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगेंगे, इतना छोटे छोटे से हैं। तो हम इस पे स्नूकर खेलते हैं। बुराक तो धक्के सो गया। हमारी ये रेडी हो चुकी है, अब हम गेम प्ले करते हैं। पहले मेरी बारी है। तो ये वो व्हाइट बॉल है जिससे हम हिट करेंगे। बहुत मुश्किल से लग रही है, छोटी छोटी भी है। मेरे तो तीन हो गई है। एक और ठीक है। अभी हमारे पास बॉल है और इससे हम यहाँ पर मारेंगे। एक दिल्ली चलो इसको मारते हैं। ये तो सिर्फ दो हैं। चलो अब अहमद की बात। अहमद अब वहां से आओ। अब अहमद करेगा। तो यहाँ हम किचन में आ गए हैं और मम्मा जो खाना पका रही हैं मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अब मम्मा ने ऑयल में अनियन डाल दिए हैं और इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। तो यहाँ मम्मा बना रही थी अरवियाँ। तो मम्मा ने अरवियों को धो के छील के ड्राई कर लिया है और अब उसको इस तरीके से सर्कल शेप में कट कर लिया है। मेरी मम्मा तो इस तरीके से बहुत मज़े की अरवियाँ बनाती हैं, क्या आप भी इसी तरीके से बनाते हैं? तो जब अनियन अच्छे तरीके से गोल्डन एंड ब्राउन हो गए तो मम्मा ने उसके अंदर 2-3 टोमेटोज कट करके डाल दिए। अब वो इन्हें 1-2 मिनट पकाएंगी। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब सूखा धनिया। अब हम इसमें टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च डालेंगे और 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे। अब हम इसमें
हाफ टी स्पून ज़ीरा डालेंगे। हमने ज़ीरे को हाथ पे रख के थोड़ा सा मसल लिया है, हम इसको पाउडर फॉर्म में नहीं डालेंगे, ऐसे डालेंगे। और फिर इसमें अरवियाँ डाल देंगे जो कि हमने कट करके रखी थी। इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट पकाएंगे। फिर इसमें 1 कप पानी डाल के इसको हल्की आँच पर पकने के लिए रख देंगे ताकि अरवियाँ सॉफ्ट हो जाएँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आई होप आप लोग मेरी ये वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करके बताइएगा ताकि अगली आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। वाओ, दिखने में तो बहुत मज़े की लग रही है, दिखने में ही नहीं टेस्ट में भी बहुत मज़े की होती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें हम पानी डाल के इसको हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। खाने के साथ कुछ मीठा भी होना चाहिए, तो मम्मा ने सोचा क्यों ना शीर कौरमा बना लिया जाए। तो मैं आपको बताती हूँ मेरी मम्मा ने शीर कौरमा कैसे बनाया। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईजी है। मम्मा ने 1.5 लीटर दूध में इलायची, चीनी और थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाल दिया और उसको इतना पकाया कि दूध 1.5 लीटर से 1 लीटर हो गया। बेचारा दूध बॉयल हो के आधा हो गया, जैसे हम बेचारे बच्चे पढ़ के आधे हो गए हैं। अब आप लोग मेरी इस बात पे हंस रहे होंगे ना मेरे व्लॉग पे, मैं सच बोल रही हूँ ना, इतनी मुश्किल पढ़ाई है, इतनी ज़्यादा, फिर ऊपर से मम्मा पढ़ो, हम तो पढ़ के आधे हो गए हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि दूध का कलर थोड़ा सा येलो सा हो रहा है, तो जब इसका कलर थोड़ा सा येलो गोल्डन सा होगा तो हम इसमें सेवैयाँ डाल देंगे। तो सेवैयाँ ऐड करने के बाद हम इसको 5 मिनट पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। बस हमारा शीर कौरमा रेडी है ना, आसान और झटपट रेसिपी। तो मम्मा ने अब इसमें किशमिश ऐड कर दी है, और जब ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा तो इसमें बादाम ऐड करेंगी, क्योंकि ना मुझे ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है, बस यही दो ही पसंद है। एक तरफ से शीर कौरमा रेडी हो गया और दूसरी तरफ से हमारी अरवियाँ भी रेडी हो गई। अब मम्मा ने अरवियों में ग्रीन चिली ऐड कर दी है और बस फिर इसमें धनिया डालेंगी और इट्स रेडी। तो गाइस, खाना पक गया था। खाना खाने के बाद हम लोगों ने लूडो खेल ली। तो जब तक हम लोग लूडो खेलते हैं तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।